बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं हिरा और आज मैं लेकर आई हूं चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के लिए, जो बहुत ही सिंपल इजी है और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये मैंने लिए है चिकन, ये 3 पाव के करीब चिकन है, आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक। लहसुन अदरक में मैंने लहसुन जो है 1.5 टेबल स्पून लिया है और अदरक मैंने 1 टेबल स्पून ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने चॉप कर लिया है छिलका रिमूव करके। कढ़ाई में टमाटर थोड़े ज़्यादा डलते हैं क्योंकि कढ़ाई का जो मसाला होता है वो बनता ही टमाटर से है। ये स्पाइसेस देख लें आप लोग। यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1 टी स्पून, ये रेड चिली है 2 टी स्पून, ये काली मिर्चें हैं पिसी हुई 1 टी स्पून, और ये पिसा सूखा धनिया है 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 कह सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने ये ऑयल लिया है 1/2 कटोरी, और यहाँ पे मैंने कुछ गार्निशिंग के लिए कुछ सामान लिया है। ये हरी मिर्चें हैं 8 से 10 दाने। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, ये 2 टेबल स्पून है चॉप किया हुआ, और ये अदरक है, अदरक को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके नीचे हल्का सा चूल्हा ऑन किया है और मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन के बाद अब ये लहसुन अदरक जो मैंने लिया था ये मैंने ऐड कर दिया है। और अब चिकन को मैं लहसुन अदरक में इतना भूनूंगी कि चिकन का जो कलर है पिंक पिंक ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं बताती हूँ कि उसके बाद क्या डालना है। ये देख सकते हैं आप, 2 से 3 मिनट मैंने इसे लहसुन अदरक में भुना है और 1 घूंट पानी मैंने डाला था भूनते वक्त। अब ये थोड़ा वाइट वाइट हो गया है चिकन, तो इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, ये टमाटर ऐड कर दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। इससे क्या होगा कि चिकन का और टमाटर का पानी निकल आएगा, उसमें हम टमाटर को इतना भुनेंगे कि टमाटर मैश हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, अच्छे से चम्मच लगा दिया है। अब मैं इसको लिड से कवर कर रही हूँ। 5 मिनट बाद जब टमाटरों का पानी निकल जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो मैं तेज़ आंच करके भून लूँगी। मैंने कढ़ाई को लिड से कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर और चिकन ने ये पानी भी छोड़ दिया। अब मैंने तेज़ आँच कर दी है, ये देखें, अब मैंने तेज़ आंच कर दी है ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और टमाटर जो है मैश हो जाए अच्छी तरह। फिर मैं इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है, ये थोड़ा सा पानी रहता है। इस स्टेज पे हम ये ऑयल जो हमने निकाला था ये ऑयल हम ऐड कर देंगे और ये सारे स्पाइसेस जो थे हम ये ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को तकरीबन 7 मिनट भूना है। चिकन भी अच्छे से भुन गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें 1 घूंट पानी डाल के इसको दम लगा रही हूँ ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से पक जाए। ये मैं 1 घूंट मैंने बस पानी डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं अब दम लगा रही हूँ। 10 मिनट बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़े की बनी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और ये चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार होती है, ये 1/2 घंटे में बन जाती है मैक्सिमम।
ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसको सर्च करके दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक, मैंने सर्च कर ली है चिकन कढ़ाई, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी फाइनल लुक देखकर। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।